नमस्कार, मैं हूं आपका ड्रोन मित्र, ड्रोन पायलट। इसके पहले वाली वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पारनेरा पर्वत से दिखाई देने वाले बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य संबंधित दृश्य देखे थे। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ दर्शक मित्रों ने अपने मन में चल रहे बुलेट ट्रेन संबंधित जिज्ञासा को व्यक्त किया, जिस कारण आज इस वीडियो के माध्यम से बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य संबंधित स्पष्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखकर यकीन जान सकेंगे कि बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। यदि आपने मेरा चैनल ड्रोन मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी मित्रों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। वैसे मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, जिस कारण मुझे लोग कई बार ऐसी जगह के बारे में पूछते हैं जहाँ पर घूमने जाया जा सकता है, पर ज़्यादातर मेरे पास जानकारी नेशनल हाईवे नंबर 48 के बारे में होती है। नेशनल हाईवे 48 के बारे में सब जानते हैं, ये दिल्ली से शुरू होते हुए चेन्नई तक चलता है और इसी हाईवे का अहमदाबाद से मुंबई, ठाणे और फिर वहाँ से पुणे तक का हिस्सा सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको नेशनल हाईवे नंबर 48 पर या आसपास या फिर इससे थोड़े ही दूर बसे हुए कई ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तो किसी जगह पर आप जाना चाहें तो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नेशनल हाईवे नंबर 48 के गुजरात में वलसाड़ के अतुल चौरस्ता से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे पारनेरा पर्वत के बारे में बताया था। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और साथ में मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को अपनी YouTube लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। मित्रों, नेशनल हाईवे से पारनेरा पर्वत पश्चिम की ओर है, बल्कि धर्मपुर पूर्व की ओर। धर्मपुर के रास्ते से होते हुए त्र्यंबकेश्वर, नासिक और शिरडी सीधा जाया जा सकता है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद इसमें सफर करने वाले यात्री पारनेरा पर्वत को कुछ ऐसे देख पाएंगे और इसके विपरीत पारनेरा पर्वत के ऊपर तक चढ़कर जाने वाले जिज्ञासु बुलेट ट्रेन के दृश्य कुछ इस प्रकार देख पाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो की तुलना में इस वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि हर 12 घंटे में 2 पिलर के बीच का स्लैब उसकी जगह पर बिठाया जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन को 12 स्टॉप्स दिए जाएंगे, ऐसा सुना गया है। जो आप अभी देख रहे हैं वह स्थल सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन से 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, परंतु यहाँ से और भी ज़्यादा नज़दीक बनने जा रहा है वापी का बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि वापी के डुंगरा दादरा नगर हवेली से भी नज़दीक है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र गति से चल रहा है। नेशनल हाईवे से बुलेट ट्रेन का वापी स्टेशन केवल 5.5 किलोमीटर के अंतर पर सेलवास जाने वाले रास्ते पर है। इसका गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या मुझे ईमेल करें। बुलेट ट्रेन शिकानसेन या शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वैसे शिकानसेन या शिनकानसेन का जापानी भाषा में अर्थ होता है नया मेन लाइन या ट्रंक लाइन, परंतु शिनकानसेन इस शब्द को बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और इसी के नाम से जोड़ दिया गया है। बुलेट ट्रेन की गति और इसके आगे वाले हिस्से का आकार बंदूक की गोली बुलेट जैसा होने के कारण यह बुलेट ट्रेन के नाम से सारे जग भर में प्रसिद्ध है।
मित्रों, बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद इसमें सफर करने वाले यात्री अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर की यात्रा बॉलीवुड की एक मूवी देखते देखते यानी केवल 3 घंटे के अंदर अंदर पूर्ण कर पाएंगे। ये इसकी मुख्य और पहली विशेषता है। इसके अलावा कई और विशेषताएं हैं, उदाहरण के तौर पर जापान के बुलेट ट्रेन में प्रवास अत्यंत सुरक्षित है। अब तक के जापान के 57 वर्षीय बुलेट ट्रेन के इतिहास में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। तीसरी विशेषता ये है कि जापान में बुलेट ट्रेन अपने निर्धारित समय से ज्यादा 1 मिनट तक देरी से चलती है। बुलेट ट्रेन की और भी विशेषता है, जैसे कि ये कम से कम पावर पर चलने के कारण इको फ्रेंडली है, जबकि इसकी महत्तम रफ्तार 320 किलोमीटर तक है। कभी पावर फेल हो जाने पर या कोई टनल में या किसी भी जगह पर अटक जाने पर बैटरी से चलकर आगे बढ़ते हुए किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकती है। मित्रों, यदि आप बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य संबंधित कई सारे फोटोज और वीडियो क्लिप्स देखना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें। एक और फुल और अनकट वीडियो का लिंक मैं आपको भेज सकता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं यही समाप्त करने जा रहा हूँ, यह आशा करते हुए कि बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद उससे यात्रा करते हुए आप इस ऐतिहासिक पारनेरा पर्वत को कभी दूर से ज़रूर देखेंगे। कभी हो सके तो नेशनल हाईवे से होते हुए पारनेरा पर्वत पर चढ़कर आएं और यहाँ की ऐतिहासिक किले को देखें और यहाँ पर 3 मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन ज़रूर करें। यदि किसी कारणवश आप यहां तक आ नहीं सकते या किले के ऊपर तक चढ़कर जा नहीं सकते, परंतु यह किले के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि किले के ऊपर विराजमान देवियों के 2 अलग-अलग मंदिर होने का कारण, इनके कथा सुनना चाहते हैं या फिर मंदिर और किले के फोटो वीडियो देखना चाहते हैं, तो पारनेरा पर्वत पर मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। अब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करें और आपका विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी और जगह के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस विषय पर वीडियो बना सकता हूँ। जगह जगह जाकर वीडियो बनाना ये मेरा एक और काम है। उसके अलावा यदि आपको किसी भी अवसर पर ड्रोन शूटिंग, ड्रोन क्लिप्स या ड्रोन फुटेज की आवश्यकता हो तो मुझे ईमेल करें। ट्विटर फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर मैं हूं आपका ड्रोन मित्र और इंस्टाग्राम पर ड्रोन मित्र 4K। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।